शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 24 फरवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को ज्ञान मार्ग में तीखा कैसे जाएं वो विधि सिखा रहे हैं। ज्ञान मार्ग में तीखा जाने की विधि है, तीव्र वेगी बनना है तो याद में लग जाओ, सब तरफ से बुद्धि समेट लो, एक बाबा की याद में लग जाओ ताकि सारा कचरा निकल जाए। बाबा आते हैं कांटों को फूल बनाने, हंस बनाने। यहाँ पर हंस भी हैं और बगुले भी हैं। श्री लक्ष्मी नारायण नंबर 1 हंस हैं। हंस बनना अर्थात निर्विकारी बनना। बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों को घर वापस ले जाने के लिए आया हूँ, तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। यहाँ तुम बेहद के सन्यासी हो, इस दुनिया में रहते कार्य करते बुद्धियोग सब तरफ से हटा लेना है, एक बाबा से बुद्धियोग लगाना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि इस समय तुम बच्चों को घर घर में पैगाम देना है। घर घर में पैगाम देंगे तो रेवोल्यूशन हो जाएगी, सबको बाप का परिचय मिल जाएगा। ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम्हारे मुख से सदा रतन निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। बाबा आते हैं तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने, तो दैवी गुण धारण करने हैं। चंडिका देवी का भी मेला लगता है, ऐसे बहुत हैं जो यज्ञ में विघ्न रूपी बनते रहते हैं, पवित्र भी रहते हैं। बाबा ने कहा फिर ऊंच पद तो पा नहीं सकते, ऊंच पद पाने का साधन है सब तरफ से बुद्धि हटाकर एक बाप को प्यार से याद करना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। तुम हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। क्वेश्चन है, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? ज्ञान मार्ग में तीखा जाना है तो सब विचार छोड़, बाप की याद में लग जाओ, जिससे विकर्म विनाश हो जाए, पूरा कचरा निकल जाए। याद की यात्रा ही ऊंच पद का आधार है, इसी से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। बाबा की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा, पतित से पावन बनाने की, इसके बिगर बाप भी रह नहीं सकते। अटेंशन से सुनेंगे, ज्ञान मार्ग में तीखा जाना है तो सब विचार छोड़, बाप की याद में लग जाओ, जिससे विकर्म विनाश हो जाए, पूरा कचरा निकल जाए। याद की यात्रा ऊंच पद का आधार है, इसी से तुम कौड़ी से हीरा बन सकते हो। बाबा की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा, पतित से पावन बनाने की, इसके बिगर बाप भी रह नहीं सकते। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते, इस दुनिया में कोई हंस भी हैं और कई बगुले भी हैं। ये लक्ष्मी नारायण हंस हैं, इन जैसा तुम्हें बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने लाएंगे, मुस्कुराता हुआ उनका चित्र, डबल ताजधारी, देवताई पोशाक। बाबा कहते तुम्हें ऐसा बनना है। तुम कहेंगे हम दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। बाबा कहेंगे तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, मैं तुम्हें हंस बनाता हूँ, अभी पूरे बने नहीं हो, बनना है। हंस मोती चुगते हैं, बगुला गंद खाते हैं, अभी हम हंस बन रहे हैं। इसलिए देवताओं को फूल कहा जाता और उनको कांटा कहा जाता। हंस थे फिर नीचे उतरते आए, आधा कल्प हंस आधा कल्प बगुले। हंस बनने में माया के बहुत विघ्न पड़ते, कुछ ना कुछ गिरावट आ जाती। मुख्य गिरावट आती देह अभिमान की। इस संगम पर तुम बच्चों को चेंज होना है। जब तुम हंस बन जाते हो फिर हंस ही हंस हो, हंस अर्थात देवी देवता होते नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में एक भी हंस हो ना सके, भले सन्यासी हैं परंतु
वो हद के सन्यासी हैं, तुम हो बेहद के सन्यासी। हद के सन्यासी घर बार छोड़ के चले जाते हैं, आपको रहना दुनिया में है, कार्य व्यवहार भी करना है, परंतु बुद्धि से सारी दुनिया को भुला देना है, यह है बेहद का सन्यास। बाबा ने बेहद का सन्यास सिखाया। इन देवताओं जैसा सर्वगुण संपन्न और कोई धर्म वाला बनता ही नहीं। बाबा आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम ही नई दुनिया में पहले पहले सुख में आते हो, और कोई नई दुनिया में थोड़े ही आते हैं। अब इन देवताओं का धर्म ही बेहद सुख देने वाला है, अब प्राय लोप हो गया है। ये बातें तुम सुन रहे हो, औरों को समझाते हो, और कोई समझ ना सके। वह सब है मनुष्य मत पर, विकार से तो सब पैदा हुए। सत्ययुग में विकार की कोई बात नहीं, देवताएं पवित्र थे, वहां योग बल से सब कुछ होता है। सत्ययुग में योग बल से सब कुछ होता है। यहाँ पतित मनुष्यों को क्या पता वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं। उनका नाम है वॉइसलेस वर्ल्ड, विकार की कोई बात नहीं। कहेंगे जानवर आदि कैसे पैदा होते हैं, बोलो वहाँ है ही योग बल, विकार की कोई बात नहीं। 100% निर्विकारी हैं। हम शुभ बोलते हैं, तुम अशुभ क्यों बोलते हो? इसका नाम है वैशाल्य और उसका नाम है शिवालय। उस शिवालय की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा टावर है ना, शिवालय भी ऐसे लंबे बनाते। शिव बाबा तुम्हें सुख का टावर बनाते, सुख के टावर में ले जाते, इसलिए बाबा में बहुत लव रहता। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के साथ लव रहता। शिव बाबा के मंदिर में बहुत प्यार से जाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं। अब तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी संपूर्ण बने नहीं हो। तुम्हारा इम्तहान तब होगा जब तुम्हारी राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर सब खत्म हो जाएंगे, नंबरवार थोड़े थोड़े आते जाएंगे। तुम्हारी पहले से राजाई शुरू होती, और धर्मों में पहले राजाई नहीं शुरू होती, तुम्हारी तो है किंगडम। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। बनारस में बच्चे सर्विस पर गए, उनको समझाने का नशा है, परंतु वो लोग इतना समझ ना सके। गायन भी है कोटों में, कोई हंस कोई विरला बनते हैं, नहीं बनते तो फिर बहुत सजाएं खाते हैं। कोई 95% सजा खाते, सिर्फ 5% चेंज होते हैं। हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर तो होते हैं ना। अभी कोई भी अपने को हंस कह ना सके, पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब ज्ञान पूरा हो जाएगा तब लड़ाई लगेगी। जब ज्ञान पूरा हो जाएगा तब लड़ाई भी लगेगी। ज्ञान तो पूरा लेना है, वो लड़ाई फाइनल होगी। अभी तो कोई 100% बने नहीं, अभी तो घर घर में पैगाम पहुंचाना है। बड़ा भारी रेवोल्यूशन हो जाएगा। जिनके बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं सब हिलने लगेंगे, भक्ति का तख्त हिलने लगेगा। अभी भक्तों का राज्य है, उन पर तुम विजय पाते हो। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, फिर बदली होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा, तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में तुम्हें बहुत साक्षात्कार कराए। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, प्रारंभिक काल में बहुत सारे साक्षात्कार हुए, कैसे राजधानी चलती है। परंतु साक्षात्कार करने वाले आज है नहीं, ये भी ड्रामा में जिनका जो पार्ट है वो चलता ही रहता है। इसमें हम किसी की महिमा थोड़ी करेंगे। बाबा भी कहते तुम मेरी क्या महिमा करेंगे, मेरी तो ड्यूटी है पतित से पावन बनाने की, टीचर की ड्यूटी है पढ़ाने की, अपनी ड्यूटी बजाने वाले की महिमा क्या करेंगे। बाबा कहते मैं भी ड्रामा के वश हूँ, इसमें ताकत फिर काहे की, ये तो मेरी ड्यूटी है। कल्प कल्प संगम पर आकर पतित से पावन बनाने का मैं रास्ता बताता हूँ। मैं पावन बनाने के बिना रह नहीं सकता हूँ, मेरा पार्ट एक्यूरेट है, एक सेकंड भी देरी से वह आगे नहीं आ सकते, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर मैं सर्विस करने आता हूँ। निराकार शिव बाबा बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर मूल वतन से ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित होते हैं। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता ड्रामा मेरे से कराता है। मैं परवश हूँ, इसमें महिमा की कोई बात नहीं। मैं कल्प कल्प आता हूँ, मुझे बुलाते ही हैं पतित से पावन बनाने वाले आओ। कितने पतित बन गए, एक अवगुण छुड़ाने में भी कितनी मेहनत लगती है। बहुत समय पवित्र रहकर भी फिर चलते चलते माया का थप्पड़ लगने से काला मुंह कर लेते। यह है तमो प्रधान दुनिया,
माया दुश्मन बोझ सामना करती। सन्यासी भी जन्म तो विकार से लेते हैं, कोई भी ज्योति ज्योत में समाते नहीं, वापिस जा नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी है, उसका पार्ट भी अविनाशी है, फिर ज्योति ज्योत में समा कैसे सकते। जितने ढेर मनुष्य उतनी ढेर बातें, वह सब है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत है ही एक। देवता मत तो यहाँ होती नहीं, देवता होते हैं सतयुग में। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, तब ईश्वर को पुकारते हैं कि रहम करो। बाबा कहते मैं तुम्हें ऐसा लायक बनाता हूँ जो तुम पूजने लायक बन जाते हो, मैं तुम्हें ऐसा लायक बनाता हूँ जो तुम पूजने लायक बनते हो। अभी थोड़ा ही पूजा लायक हो, बन रहे हो। तुम जानते हो हम ये बनेंगे, फिर भक्ति में हमारी महिमा होगी, हमारे ही मंदिर बनेंगे। तुम्हें मालूम है चंडिका देवी का मेला लगता है, चंडी जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलती, फिर भी विश्व को पवित्र बनाने में कुछ ना कुछ मदद तो करती है ना। सेना है ना, सजाएं आदि खाकर फिर भी विश्व का मालिक तो बनते हैं ना। यहाँ कोई भील होगा वो भी कहेगा हम भारत के मालिक हैं। आजकल देखो एक तरफ गाते हैं भारत कितना ऊंचा देश है, महिमा गाते ना, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, एक तरफ महिमा, दूसरी तरफ गाते हैं भारत की क्या हालत हो गई, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। रक्त की नदियाँ बहती रहती हैं, एक रिकॉर्ड में महिमा और एक रिकॉर्ड में निंदा। कुछ भी समझते नहीं, तुमको तो यथार्थ रीति बाबा समझाते। मनुष्यों को थोड़ा ही पता है कि इनको भगवान पढ़ाते हैं, कहेंगे वाह इन्होंने भगवान को टीचर बना रखा है। किसी को थोड़ा ही पता है कि भगवान टीचर भी बन सकता है, हर रोज पढ़ा सकता है, किसी को पता नहीं। अरे भगवान वाच है, मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ गीता में मनुष्य का नाम डाल, गीता ज्ञानदाता को भूल गए हैं। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को ऊंच से ऊंच बनाता हूँ, तुम बच्चों के मुख से सदा रतन निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। मुख से रतन निकलने चाहिए, मीठे बोल निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। अपने से पूछना है हम ऐसे बने हैं, भले चाहते भी हैं हम किचड़े से जल्दी बाहर निकलें, परंतु जल्दी हो ना सके, टाइम लगता है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती। समझाने वालों में भी नंबरवार है, युक्त युक्त समझानी पिछाड़ी की होगी तब तुम्हारे बाण चलेंगे। जानते हो हमारी पढ़ाई अब चल रही है, पढ़ाने वाला एक है, सब उनसे पढ़ने वाले हैं। आगे चल तुम लड़ाई ऐसी देखेंगे जो बात मत पूछो, लड़ाई में तो बहुत मरेंगे, फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ जाएंगी, क्या इकट्ठी जाकर जन्म लेंगी। झाड़ बड़ा होता है बहुत टाल टालियां पत्ते हो जाते, रोज कितने जन्मते हैं मरते भी कितने हैं, वापिस तो कोई जा नहीं सकते। मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है, इन रेजगारी बातों में जाने से पहले बाप को तो याद करें, जिससे विकर्म विनाश हो और किचड़ा निकल जाए। फिर है दूसरी बात, तुम इसका कोई विचार ना करो, पहले अपना पुरुषार्थ करो जो ऐसा बन सको। मुख्य याद की यात्रा और सबको पैगाम देना है, पैगंबर एक ही है, धर्म स्थापक जो भी पैगंबर या प्रिसेप्टर नहीं कह सकते, धर्म संस्थापक को पैगंबर या प्रिसेप्टर नहीं कह सकते। सदगति दाता एक सत्य गुरु है, बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य कुछ ना कुछ सुधरते, कोई ना कोई दान भी करते, तीर्थों पर जाते तो कुछ ना कुछ दान दे आते, ये तो तुम जानते हो। इस अंतिम जन्म में बाबा हमें हीरे जैसा बनाते हैं, इसको अमूल्य जीवन कहा जाता, परंतु इतना पुरुषार्थ करना पड़े। तुम कहेंगे हमारा कोई दोष नहीं, अरे मैं आया हूँ गुलगुल बनाने तो क्यों नहीं बनते हो, मैं आया हूँ गुलगुल बनाने तो क्यों नहीं बनते हो, मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो। पुरुषार्थ कराने वाला बाबा मिला है, इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया दुनिया थोड़ी जानती है। बाप आते संगम पर, अब तुम्हारी बातों को कोई भी समझते नहीं, आगे चलकर जब तुम्हारे पास बहुत आएंगे तो उनकी ग्राहकी टूट पड़ेगी। बाबा कहते इन वेदों शास्त्रों का सार मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ढेर के ढेर गुरु हैं, सब भक्ति मार्ग के हैं, सत्युग में सब पावन थे फिर पतित बने, अब बाबा आकर बेहद का संन्यास कराते, क्योंकि पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बेहद का संन्यास कराते क्यों कराते हैं, क्योंकि ये पुरानी दुनिया
खत्म होने वाली। इसलिए बाबा कहते, कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल, मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अब कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बचाती तो आत्मा भी अविनाशी, पार्ट भी अविनाशी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता, हूबहू रिपीट होता रहता। ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। नंबरवार तो होते ही हैं, कोई रूहानी सर्विस करने वाले, कोई स्थूल सर्विस करने वाले। कोई कहते हैं बाबा हम आपका ड्राइवर बने तो वहाँ भी विमान का मालिक बन जाएंगे। अगर यहाँ बाबा के रथ की सेवा करते हैं, ब्रह्मा बाबा जब कहीं आते जाते हैं तो सबको शौक होता था कि वो गाड़ी मैं चलाऊं जिसमें बाबा बैठे हों। अगर यहाँ पर हम ये सेवा करेंगे तो वहाँ पर भी हम विमान के मालिक बन जाएंगे। आज के बड़े लोग समझते हैं अभी तो हमारे लिए स्वर्ग है, बड़े बड़े महल हैं, विमान हैं। बाबा कहते सब आर्टिफिशियल है, इसे माया का पॉम्प कहते हैं। क्या क्या सीखते रहते हैं, जहाज आदि बनाते, अब ये जहाज आदि वहाँ काम में थोड़े ही आएंगे। बॉम्ब्स बनाते हैं, ये थोड़े ही वहाँ काम में आएंगे। सुख वाली चीज़ें तो काम में आएंगी, विनाश होने में साइंस मदद करती, फिर वही साइंस तुम्हें नई दुनिया बनाने में मदद करती है। ये ड्रामा बड़ा ही वंडरफुल है, ये ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया धारणा के लिए सार। इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है, इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है, याद में रह के पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, मुख से ज्ञान रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं पूरा पूरा हंस बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है, कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है, याद में रह के सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं पूरा पूरा हंस बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान है सेवा के साथ साथ बेहद की वैराग वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा के साथ साथ बेहद की वैराग वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन सेवा में ही वैराग वृत्ति भी खत्म हो जाती है। इसलिए अपने अंदर वैराग वृत्ति को जगाओ। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है, अब बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कोई कितने भी साधन प्राप्त हो, बेहद की वैराग वृत्ति की साधना मर्ज ना हो, साधन और साधना का बैलेंस हो, तब सफलता मूर्त बनेंगे। अटेंशन से सुनेंगे, सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, सेवा में ही वैराग वृत्ति भी खत्म हो जाती है। इसलिए अपने अंदर वैराग वृत्ति को जगाओ। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है, ऐसे बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हो, बेहद की वैराग वृत्ति की साधना मर्ज ना हो, साधन और साधना का बैलेंस हो, तब कहेंगे सफलता मूर्त। स्लोगन है असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है, असंभव को संभव बनाना परमात्म प्यार की निशानी है। आज हम परमात्म प्यार में समाये रहेंगे। ये परमात्म प्यार कल्प में एक बार मिलता है, जन्म जन्मांतर देह और देह के संबंधों से प्यार किया, अभी रूह बनकर रूहानी पिता से रूहानी प्यार प्राप्त करें। प्यार का सागर बाबा अपनी सब रूहों से बहुत प्यार करते हैं, परमात्म याद में वो शक्ति है जिससे असंभव संभव हो जाता है, मुश्किल सहज हो जाती है। दृढ़ संकल्प करें,
बस एक को याद करना है, एक के प्यार में खो जाना है, प्यार के सागर पर एकाग्र हो जाएं, वर्षा की बूंदों की तरह उनका प्यार बरस रहा है, रूहें तृप्ति का अनुभव कर रही हैं, दिल से कह रही हैं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, हंस बनाने वाला बाबा, देवता बनाने वाला बाबा, स्वीट बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अंत समय कौन सी तीन प्रकार की आत्माएं ब्राह्मण परिवार के संपर्क में आएंगी और उनको हमें किस प्रकार की पालना देनी होगी, यह जानने के लिए सुनते हैं आज का ज्ञान मोती।